फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन वन क्या बोलता है इनकम टैक्स का, दिस इज एन इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद कब से अप्लीकेबल हुआ, 1962 से, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। इसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन टू जो बताता है, सेक्शन टू सब सेक्शन 7, एसएससी कौन होता है जो टैक्स पे करता है, टू सेक्शन सब सेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन बताता है, कौन कौन होते हैं पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये 7 तरीके के पर्सन होते हैं हमारे, जो हमारी पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ कितने तरीके के होते हैं, तो हमने पढ़ा दयाभाग और मित्राक्ष। इसमें हमने पढ़ा था दयाभाग कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, अगर आप वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, आसाम में हुए, तो आप दयाभाग संप्रदाय के पार्ट हो, और अगर आप रेस्ट ऑफ द इंडिया में पैदा हुए हो तो मित्राक्ष संप्रदाय हो। उस इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर दयाभाग में हो तो इट मीन्स कि जब आपके फादर की डेथ हो जाएगी तब आपको पार्टनरशिप का राइट मिलेगा, उससे पहले राइट मिलेगा नहीं। मित्राक्ष में ऐसा नहीं होता, जैसे बच्चा पैदा होता है वो अपना अधिकार का मिल चुका, उसके पास सारे अधिकार आ जाते हैं उस एचयूएफ के। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टनरशिप फार्म क्या होती है। पार्टनरशिप फार्म वो होती है जिसके अंदर डीड बनी हो, जिसके अंदर कोई पार्टनरशिप डीड हो वो हमारी पार्टनरशिप फार्म होती है, और जहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर बीओआई क्या होता है। बीओआई मतलब जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिलकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उस पर वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं। एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें कंपनीज या फार्म आपस में मिलती है या इंडिविजुअल या कंपनी मिलती है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलता है और उसमें भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें वो काम करते हैं, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। डेफिनेशन में कंपनी कितने तरीके की होती है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। इसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो इस ईयर होता है जिस साल आपने इनकम कमाई है, वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। जिस साल उस इनकम के ऊपर टैक्स देंगे, दैट इज असेसमेंट ईयर। तो हम ये बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर के जस्ट असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर प्रीवियस ईयर होता है, और असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, जो प्रीवियस ईयर के जस्ट नेक्स्ट वाला होता है। डेफिनेशन हमने यहाँ पर डिफरेंस पढ़ लिया था, अनडिस्क्लोज्ड इनकम हमने पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कंपटीशन जब निकालना है तो इस पर स्टेप क्या देखना है। तो हमने पढ़ लिया था पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लो किसी का, उसके बाद उसमें देख लो कि उसके 5 हेड्स ऑफ इनकम मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उनकी कंट्रीब्यूशन कर लो, उनके अपने अपने हेड्स में जो भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिल रही है वो सब चीज़ें भी उसमें इंक्लूड कर लो, डिडक्ट कर लो। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, जो आपके स्पाउस या माइनर चाइल्ड की जो इनकम क्लब करनी है वो क्लब कर लो। उसके बाद सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कुछ करना है तो वो भी कर लो, मतलब अगर आपने कोई किसी एक हेड के इनकम से आपको सेट ऑफ करना है किसी और के प्रॉफिट के इनकम की हेड के इनकम से, तो आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर जीटीआई याद है कि जीटीआई में से डिडक्शंस मैनेज कर लो। डिडक्शंस हमारे कितने तरीके की होती है, पेमेंट अगर आपने सर्टेन पेमेंट करी है तो, या आपने इस तरीके की इनकम जनरेट करी है तो वो भी अपने इस इनकम से माइनस कर लो। ये अगर इस तरीके की इनकम आपने कमाई है तो भी इनकम माइनस कर लो, और अगर आपके पास ये अगर आपको डिसेबिलिटी है उसकी डिडक्शन भी मिलती है। ये हमारा पूरा समरी थी जो हम लोगों ने अभी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था ये वाला जो हम कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने इसकी कंपटीशन निकाल के देखी थी आखिर कैसे निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि फॉर सीनियर सिटीजन, जो हमारा सीनियर सिटीजन होता है, देखो ये तो इंडिविजुअल थी कि कोई इंडिविजुअल है और जिसकी एज 60 से नीचे की है, जो 60 साल से छोटा है, तो उसके लिए तो वाला स्लैब होगा। लेकिन 60 से लेकर 80 साल के का कोई सिटीजनशिप है, किसी कोई सिटीजन है, उसके पास उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब लगेगा वो ये लगेगा। अगर उसकी 3 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देगा वो। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स, 5 से 10 तक है तो 20% टैक्स, और अगर 10 से ऊपर है तो 30% टैक्स। इसी तरीके से 80 से ऊपर किसी की इनकम है तो सेम, अगर सॉरी 80 से ऊपर किसी की एज है तो 5 लाख रुपए तक किसी की इनकम है कोई बात नहीं, 5 से 10 होगा तो 20% टैक्स, 10 से अब होगा तो आपका 30% टैक्स। तो ये हमारे स्लैब रेट थे जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। बात आती है फार्म, अगर कोई पार्टनरशिप फार्म है और पार्टनरशिप फार्म को अगर हमारे को टैक्स पता करना है कि उस पर टैक्स कितना लगेगा, तो पार्टनरशिप फार्म में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा फ्लैट। अगर उसने 100 रुपए भी कमाए
तो उसका 30% प्रॉफिट जो भी कमाया उसने, उसका 30% उसे अपनी टोटल इनकम का देना है, वो उसका फिक्स है। लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई जो लोकल अथॉरिटीज है, ये अगर कोई इनकम जनरेट कर रही है तो अपने इनकम का 30% वो भी टैक्स देंगी। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर जैसे हमने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली और उसमें कोई इनकम, वैसे तो देखो सोसाइटी जब भी बनती है वो इनकम जनरेशन के लिए नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आपने इनकम जनरेट अगर करी तो उसमें बोला गया कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाई है, अगर आपकी 10 लाख रुपए तक इनकम नहीं है, वेयर द टोटल इनकम इज डज नॉट एक्सीड 10,000, 10,000 से ऊपर नहीं है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10% ऑफ द टोटल होगा। सिंपल सी बात है। अगर 10 से लेकर के 20 तक आपकी इनकम है तो 1,000 रुपए तो हो ही गया, और 10 से ऊपर जितनी इनकम है उसके ऊपर 20%, तो आपके पास ये टैक्स आएगा। इन एंड ऑल हम ये बोल सकते हैं 10 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 20% टैक्स आपके पास आएगा। वेयर द टोटल इनकम एक्सीड 20,000, तो 20,000 रुपए तक जो इनकम होगी उसके ऊपर तो 3,000 रुपए तक का टैक्स आ गया। 20,000 से जो ऊपर इनकम होगी उसका 30% 3,000 रुपए में ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास टैक्स आ जाएगा, अगर किसी की इनकम 20,000 रुपए से ऊपर है, अगर वो कॉर्पोरेट सोसाइटी है तो। बात आती है कंपनी की। कंपनी में ये बोला गया इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब अगर आपकी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है तो उसके लिए बोला गया इफ द टोटल इनकम और ग्रॉस रिसीट, अगर आपकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में, मतलब 17-18 प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कम या 400 करोड़ के बराबर है, लेस देन या इक्वल टू 400 करोड़ है, तो आपको फ्लैट 25% टैक्स देना है, उसके अलावा टैक्स नहीं देना। मतलब बोला गया कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसकी टोटल टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर मतलब सेल, ग्रॉस रिसीप मतलब जो भी रिसीप्ट हुई है, जैसे डॉक्टर है उसकी रिसीप्ट टोटल जो हो रही है वो, अगर वो प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से कम है तो 20-25% का टैक्स उसके ऊपर आएगा। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया है इससे इसके अलावा है तो टैक्स कितना आएगा, 30% ऑफ द टोटल टैक्स, डोमेस्टिक पे ये है। नेक्स्ट है अगर इन द केस ऑफ अदर देन ऑफ द कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो फ्लैट 40% ऑफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम का 40% टैक्स लगेगा, ये हमारे को याद रखना। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो उसके ऊपर आपको याद रखना है नॉर्मल तो 30% टैक्स है, लेकिन अगर उसकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर में, अगर उसका प्रीवियस ईयर 17-18 है और 17-18 वाला केस है तो उस केस के लिए 400 करोड़ का टर्नओवर देखना है, 400 करोड़ से कम है तो 25%, अदरवाइज 30%, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी है तो 40% टैक्स। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसके ऊपर टैक्स आ सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जैसे आपने कोई घर है, आपने मान लीजिए 20 साल 25 साल के बाद उसे बेचा, तो जो उस पर प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स आएगा वो आएगा 20%। सिंपल 112 सेक्शन ये बोलता है, 112 ए सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स इन कैपिटल में गेन करा है या यूनिट ऑफ इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है उसमें कुछ आपने पैसा लगाया था वो आपने कुछ गेन करा है तो उसके ऊपर 10% टैक्स आएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, विनिंग, अगर आपने लॉटरी कोई लॉटरी से पैसा जीता, मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति में गए और उसमें आपने पैसा जीत के लाए, तो आपका जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 30%, आपके पास जो टैक्स की लाइबिलिटी आएगी वो 30%, मतलब क्रॉस रिजल्ट रेस में पैसा लगाया, कार्ड गेम खेला, गैम्बलिंग करी, तो सब पे आपका टैक्स आएगा। इनकम वे ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पे अगर आपके पास टैक्स, अगर आपने डिविडेंड कमाया है एक्सीडिंग 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया तो उसके ऊपर टैक्स 10%। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनएक्सप्लेन मनी, जैसे मान लीजिए आपके घर में, मैंने आपको बताया भी था अनएक्सप्लेन मनी कौन सी होगी, जैसे मान लीजिए आपकी आपकी बुक में सर्वे हुआ और आपके अकाउंट्स में देखा गया कोई पैसा जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो कि ये पैसा कहाँ से आया, ये फंड आपने कहाँ से डाला, तो वो अनएक्सप्लेन मनी होगी, तो उसके बाद फ्लैट 6% लगेगा। मान लीजिए आपके पास कोई कैश पकड़ा गया, आपके पास कोई चीज कैश पकड़ा गया और आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो कहाँ से आया, तो उसके ऊपर कितना फ्लैट टैक्स लगेगा, 60% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी और उस पर आप बता नहीं पा रहे हो उस पर खर्चा जो आपने करा, एक्सपेंडिचर जो करी या इन्वेस्टमेंट जो करी है वो कहाँ से आई, तो उसके ऊपर आपका जो पैसा लगेगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका 60%। कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। गुड। नेक्स्ट, इसके बाद आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड अंडर सेक्शन 115BBDA, मतलब अगर डिविडेंड के थ्रू आपने कोई पैसा कमाया है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या आएगी। बोल रहा है सेक्शन 115B, ये आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। BBDA provide that any income by way of dividend is aggregated exceed of
10 lakh shall be chargeable to tax in the hands of person other than, अगर वो कंपनी के अलावा है तो उनके ऊपर ये टैक्स लायबल होगा, अगर वो अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी और अ फंड ऑफ और इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट इंस्टीट्यूट हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, उनके ऊपर अदर देन इनको छोड़ करके बाकी सबके ऊपर टैक्स लगेगा कितना 10%। अनएक्सप्लेन मनी के ऊपर तो मैंने आपको डिस्कशन बताई दिया। अब आते हैं सरचार्ज, सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। देखो जब आपका टैक्स लग जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम आई 10 लाख रुपए, जैसे हमने एग्जांपल देखा था 12 लाख रुपए की आपकी इनकम आई थी, उस 12 लाख रुपए के ऊपर हमने टैक्स का स्लैब लगाया था तो उसके ऊपर टैक्स आया था कुछ, मान लीजिए जैसे 1,12,000 रुपए आ गया, 1,12,000 के ऊपर जो अब टैक्स लगेगा जो हमें उसको पे करना है उसके ऊपर हमें सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन ये फॉलो हो रही है तो सरचार्ज भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बोला गया सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेएबल over the over and above the income tax surcharge is levied on a percentage of the income tax in case where the total income of individual of HUF AOB BOI artificial duty person is this। उन्होंने कहा अगर किसी की इनकम इतने तक है तो उसको इतना सरचार्ज भी देना पड़ेगा। कहा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल HUF AOB BOI artificial duty person है और उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, अगर किसी की इनकम 50 लाख से कम है तो उसे सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे को समझने की जरूरत है, इसे तो इसे समझ लो ठीक से क्योंकि इसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करने। अगर किसी की इनकम 50 लाख से, अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, मान लीजिए मेरी इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ से कम है, तो मुझे जो भी मेरे पास टैक्स आएगा उसका 10% सरचार्ज भी जोड़ना पड़ेगा। सरचार्ज होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 55 लाख रुपए, तो 55 लाख रुपए तो क्या होगा, मेरा जो मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, अभी क्या होता है जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी की इनकम है 10-15 लाख रुपए, तो अब जो रिटर्न फाइल करता है तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता कि सर्वे हो रहा है, मेरी इनकम पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा अपने आप कंपटीशन निकालो, अपने आप से चीजें निकालो और अपना टैक्स अपना जमा कर दो, हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं, हम आपके पास आएंगे, हम आपसे पूछताछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप अपना टैक्स निकालो, बस हम एक बार चेक कर लेंगे कि आपने कहीं और से इनकम कमाई हो और आपने बताई ना हो तो वो देख लेंगे सिर्फ, लेकिन ज्यादा आपकी छानबीन नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो इसका मतलब है आप अच्छे टैक्स पेयर हो, तो आप टैक्स चोरी करने की कोशिश कर सकते हो, तो उस पर सरचार्जेस सर्च करने मतलब डिपार्टमेंट जो है ना सर्च करता है कि इसके बारे में ढूंढो कि भाई इसने कहीं और से इनकम तो नहीं आ रही है या इसने कंपटीशन ठीक निकाली है, तो उस पर क्या होता है कॉस्ट आती है गवर्नमेंट की, तो वो कहती है हम आपसे हम क्योंकि हमने आपके ऊपर एक बंदा बैठा रखा है जो आपका ही काम देख रहा है तो उसके लिए आप हमें एडिशनल पैसा भी दो, तो इसलिए हम इनकम टैक्स जितना भी वो इनकम टैक्स पे करेगा वो पार्टी जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर होगी 1 लाख से 1 करोड़ से नीचे होगी वो 10% सरचार्ज भी देगा अपने इनकम टैक्स का, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर तो 37%। ये आपको याद रखनी है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, करना है। हाँ बताइए, बोलो कौन बोल रहा है। कोई कुछ पूछ रहा है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नो सर, नो सर, नो सर, आगे बढ़े ना, नो सर। सरचार्ज जो, हेलो, हाँ जी सर, ये जो सरचार्ज लगेगा ये टैक्स जो पेबल होगा उस पे लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, जो टैक्स पेबल होगा, जैसे टैक्स आया मान लीजिए आपका 10,000 रुपए, तो 10,000 का 10% जी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिबेट। रिबेट बेसिकली क्या होता है, रिबेट होती है आपकी छूट, जो आपके टैक्स पे छूट मिलती है, ये आपका मान लीजिए इतना टैक्स हो रहा है तो इसके ऊपर इतनी छूट मिल जाएगी, वो होती है 87 सेक्शन 87 सबसेक्शन ए। तो उनमें क्या बोला है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु आर इन द 5% टैक्स स्लैब
जो 5% के स्लैब के अंदर आ रहे हैं उन्हें एक रिबेट मिलेगी। सेक्शन 87A प्रोवाइड अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेयर बाय द एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टैक्स हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 lakh rupees द रिबेट shall be equal to the amount of income tax payable on the total income of for any assessment year or amount of 12,000 whichever is less. मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 5 lakh rupees से कम, अगर आपकी इनकम 5 lakh rupees से ज्यादा नहीं है तो जितना भी आपका टैक्स आ रहा है ना वो आपकी छूट मिल जाएगी। मतलब क्या है, 12,500 rupees तक अगर आपका टैक्स आ रहा है तो आपको छूट मिल जाएगी। 12,500 rupees तक टैक्स की रिबेट है आपके पास कि अगर 12,500 आपका टैक्स आ रहा है तो आपको उसकी छूट है। ठीक है, नेक्स्ट समझ नहीं आया सर। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 रुपए, तो इसका मतलब 2,50,000 रुपए तो माफ हो गए, 2,50,000 माफ हो गए तो कितने बचे, अभी चाहिए कितने आपके 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए का 5% निकाल लो आप, 5/24 तो आपका कुछ 6,000-7,000 रुपए आएगा, है ना, तो वो आपका रिबेट मिल जाएगी उतने की, क्योंकि आपकी इनकम 5 lakh rupees से ऊपर नहीं थी ना, इस वजह से आपको वो 6,500 जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसकी रिपेयर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कहना था अगर आपकी इनकम 5 lakh rupees से ज्यादा नहीं है तो आपकी जो भी टैक्स आएगा अगर वो 12,000 से कम है, 12,000 से कम आ रहा है तो उतने तक की आपकी रिपेयर मिल सकती है, 12,500 तक रिपेयर मिल सकती है। ठीक है, ये रिबेट है, ये डिडक्शन नहीं है, रिबेट है, ये टैक्स में से रिबेट मिल रही है, डिडक्शन आपकी ये आएगा फाइनल, जब आपका फाइनल टैक्स आ चुका होगा उसमें रिबेट मिलेगी आपको। सर बुक में तो 3 lakh है क्या? हाँ वो पुराना है ना, वो पुराना है ना, ये आपका मैं बता रहा हूँ लेटेस्ट 2000 जो अभी साल आपको, जो अगर आप अभी किसी की रिटर्न फाइल करोगे तो आप रिटर्न फाइल करोगे 1920 की ना, तो ये 1920 के रूल्स है। ठीक है, लेकिन अभी स्लैब रेट पे अमेंडमेंट आया है, वो मैं आपको बाद में पढ़ूंगा, अमेंडमेंट आया है कुछ, ठीक है, एक ओल्ड स्लैब भी आया है, ठीक है, अभी आया है वो लॉकडाउन पीरियड में। इसके बाद देखो बात बोला गया सरचार्ज के बारे में बोला गया, अगर टोटल लेवल ऑफ टोटल इनकम अगर 5 lakh rupees से कम है या बराबर है तो अब देखो इसमें बोला गया नॉट एप्लीकेबल, सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर किसी की इनकम 5 lakh rupees के बराबर है या उससे कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम और विच एवर, मतलब 12,500 रुपए तक रिबेट है, छूट है, सरचार्ज नहीं लगेगा और रिबेट मिलेगी कितने तक की, 12,500 तक की रिबेट मिलेगी। समझ में आ गया, 5 lakh rupees से लेकर के 50 lakh rupees तक किसी की इनकम है तो सरचार्ज बिल्कुल नहीं है, तब भी सरचार्ज नहीं है और रिबेट नहीं मिलेगा। अब रिबेट नहीं मिलेगी, रिबेट मिलती तब जब आपकी इनकम 5 lakh rupees से कम होती, अब 5 lakh rupees से ज्यादा होती हाँ तो अब आपको रिबेट नहीं मिलेगी और सरचार्ज भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 lakh rupees से ऊपर है, 1 crore से नीचे है तो आपका 10% सरचार्ज लगेगा और रिबेट तो भूल जाओ, क्योंकि 5 lakh rupees का क्राइटेरिया है तो अब आगे तो रिबेट मिलने वाली ही नहीं है। 1 crore वाला जो केस है उसमें 1 crore से 2 crore तक 15% रिबेट है, सरचार्ज है, 2 crore से 5 crore तक 25% है, 5 crore से ऊपर 37% है, ये आपका रिबेट का केस था। इसके बाद आपको जब ये सरचार्ज, ये वाला आप सरचार्ज आप चार्ज कर लोगे, रिबेट आप माइनस कर लोगे, उसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इनकम टैक्स पर लगाना है। उसके लिए क्या बोला जा रहा है, द इनकम टैक्स एंड इंडिविजुअल इंक्रीज बाय द सरचार्ज और एंड रिड्यूस बाय द रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एप्लीकेबल इज टू बी फर्दर इंक्रीज बाय द एडिशनल सरचार्ज सर्च कोल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाय द डिजीज। तो उन्होंने कहा 4% का आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्च भी वो करनी पड़ेगी, रिड्यूस सरचार्ज लगाने के बाद, रिबेट चार्ज करने के बाद आपको 4% इनकम टैक्स का वो भी जोड़ना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, जब आपका फाइनल टैक्स आ जाएगा, अगर आपने साल में कुछ एडवांस टैक्स जमा कर रखा होगा, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स आया 15,000 रुपए का और 15,000 रुपए में आपने साल में 5,000 रुपए का टैक्स जमा कर रखा था अपनी जेब से, तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हो, वही बोला जा रहा है एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड सोर्स। मान लीजिए आपकी जो ये टीडीएस आपका, अगर टीडीएस कटा है या आपने एडवांस टैक्स अपने आप जमा करा था तो आप अपना उसमें से उसे डिडक्ट कर सकते हो, उसे माइनस कर लो, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी या तो अब आपके पास पेबल आने वाला है या रिफंड, हो सकता है आपका टीडीएस ज्यादा कट गया हो, आपका टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है 10-15 lakh rupees की और आपका टीडीएस जमा हो रखा हो 17 lakh
15,000 रुपया आपका टीडीएस की टैक्स की लाइबिलिटी आई हो और आपका टीडीएस जमा हुआ हो 17 लाख रुपए का, तो 2,000 रुपया आपका रिफंड आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी टैक्स की पेमेंट आएगी, जो भी टैक्स पेबल आएगा, वो 10 की मल्टीपल में आएगा, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अगर 10 कोई भी टैक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10 की मल्टीपल में होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो 13 स्टेप है वो हमारे 13 स्टेप है किसी की भी इनकम को कंप्यूट करने के। अब जो हमारा चैप्टर चलेगा वो सिंपल इसी के अराउंड चलेगा, जो भी हमने अभी सारी की सारी इंट्रोडक्शन करा है वो पूरा चैप्टर हमारा इसमें डिटेलिंग में जाएगा। हाँ जी सर, इसमें टीडीएस एडजस्टमेंट हो जाता है इनकम टैक्स में, जैसे हमारा ज्यादा जमा होगा? बिल्कुल होगा, अगर टीडीएस आपका ज्यादा कट रखा होगा तो आपका रिफंड आएगा, ठीक है, फिर आपका रिफंड आएगा, ठीक है, वो आपको फिर टैक्स जमा नहीं करना, फिर रिफंड आएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ठीक है, सरचार्ज फॉर इंडिविजुअल। अब देखो एक केस करते हैं, पहले हमने केस करा था ना ये वाला, वेयर द टोटल इनकम इज 50 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से नीचे है। तो मैंने बोला था सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट लगेगा भाई, 10% लगेगा ना, बताया था, ठीक है, 10% लगेगा। लेकिन एक केस और बोला है मार्जिनल रिलीफ। कि मार्जिनल रिलीफ क्या होती है? मार्जिनल रिलीफ ये बोल रहा है कि मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल इन केस ऑफ सच पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होगी, उसे एक रिलीफ मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। दैट वो क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल टुगेदर विद सरचार्ज ऑन सच इनकम should not exceed the amount of income tax payable on the total amount of 50 lakh by more than amount of income tax exceed of 50 lakh। मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए के ऊपर जो वो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है तो टोटल इनकम ऑफ द इनकम टैक्स पेबल, जो भी इनकम टैक्स आएगा सरचार्ज को जोड़ने के बाद, ऑन सच इनकम शुड नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम ऑफ 50 लाख बाय मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ। मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जो भी इनकम आपकी इनकम टैक्स आपके ऊपर आएगा वो वैल्यू किस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो वैल्यू जो भी आपका 50 लाख से ऊपर वैल्यू है ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है, जैसे अभी एक क्वेश्चन करते हैं उस पर ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे अपना। बोल रहे हैं कंप्यूट द टोटल लाइबिलिटी ऑफ ए जिसकी एज 42 है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, अस्सुम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ सैलरी इनकम, इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ फिक्स डिपॉजिट। इग्नोर सेसेस, कह रहे हैं कि बस एक इनकम है जिसने बंदे ने कमाया 51 लाख रुपीज का पैसा कमाया है, अब उसकी इनकम को इनकम टैक्स निकाला उसके ऊपर, कि उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना आएगा। तो हमने उसके ऊपर इनकम टैक्स निकाला। देखो इनकम टैक्स कैसे निकाला, बड़ा सिंपल तरीका है, 50 लाख से ऊपर 10 लाख से ऊपर चले गया ना यहाँ पर, तो ये वाली इनकम टैक्स इसमें हमें ये तो निकालना आता ही है भाई, 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 5 लाख, 12,500, 5 से 10 1 लाख, फिर जो बचा 10 लाख से ऊपर तो वो हमारा 12,50,000, 30,000, ये सबको निकालना आता है कि नहीं आता है पहले मुझे बताओ। ठीक है, अब क्योंकि वो किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो इसका मतलब उसके पास सरचार्ज भी लगेगा। हाँ जी तब तो आ गया नहीं? यस सर, यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो 10% का टैक्स लगा, तो सरचार्ज लगा, तो सरचार्ज हमारा इस पे जुड़ा, तो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 14,76,730 आ गया हमारे पास। अब बात आती है टोटल टैक्स ऑन टोटल पेबल ऑन टोटल टैक्स ऑफ 50 लाख, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,000, ठीक है ना, 50 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स होना चाहिए था, 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स होता है, एक ये 12,500, अगर हम 50, अभी तो हमने कितने के ऊपर निकाला है, 51 लाख रुपए के ऊपर इतना टैक्स आया है, 51 लाख रुपए के ऊपर आया ना ये टैक्स पूरा। अगर 50 लाख रुपए के ऊपर हम टैक्स निकालते तो कितना आता, तो वो हमने निकाला, देखो 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 12,500 प्लस 1 लाख और बचा कितना 40 लाख, 40 लाख के ऊपर 30% निकालोगे तो कितना आएगा 12,000 आएगा, 12 लाख आएगा, तो 12 लाख प्लस 1 लाख प्लस 12,500 13 लाख 12,500 आ गया, आगे कि नहीं आ गया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अगर अब देखो इसमें से जो आपका नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है, 14,76,750
और 50 लाख पे कितना टैक्स आता है, इतना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1,64,250। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो भी टोटल आपका जो भी 50 लाख रुपए से जितनी भी ऊपर इनकम है, कितने ऊपर है, 1 लाख ऊपर है ना, 1 लाख रुपए, तो आपको रिलीफ मिलेगा। कितने का रिलीफ मिलेगा, 1,64,000 का आपको रिलीफ मिलेगा, 1,64,250 माइनस 1 लाख, जो आपकी एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज है, उसमें से माइनस करो तो कितना बचा, 64,250। तो इतनी वैल्यू का आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये जो टैक्स था ना, आपकी वैल्यू थी 14,76,750 जो था, इसमें से आप माइनस कर लोगे 64,250, तो आपको टैक्स इतना पे करना पड़ेगा, 14,12,50। समझ में आया? Yes, sir. मतलब कहने का क्या है, वो ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए से जितनी भी ऊपर इनकम है उस वैल्यू को आप माइनस कर लो, जो 50 लाख के ऊपर जो टैक्स निकलता है और जो आपका नॉर्मल टैक्स निकला है उसमें से, जो आपका निकला है उसमें से, उसे माइनस कर लो, आपको उतने की रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है ना? तो 14 लाख था, ये 50 लाख का था, तो इतना आपका था, जो जो वैल्यू आपके ऊपर टैक्स एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन आ रहा है, 50 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है वो इतने का आ रहा है, और आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख में से इतना माइनस करा तो 64,250 की आपको रिलीफ मिल गई। तो दिक्कत तो नहीं इसमें सर? इसमें जैसे 50 लाख पे जो टैक्स आया और 151 पे जो टैक्स आया, उन दोनों का डिफरेंस ये आ गया है। हाँ, तो जो वैल्यू आई है ना वो आप वो माइनस करोगे, जो भी 50 लाख रुपए से एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू है, इनकम है आपकी, उसको उसमें से माइनस कर लो, तो जितनी वैल्यू बचकर आएगी ना उतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? यस सर। चलो एक जरा एक क्वेश्चन मुझे ये करके दिखाना, अगर किसी की इनकम सेम वैसी करना है, लेकिन इसमें बस केस क्या याद रखना, 15%। 1 करोड़ से किसी की इनकम ऊपर है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है, तो उसके बाद 15% का एजुकेशन टैक्स लगेगा, 15% का। तो और अगर उसकी इनकम, किसी की इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, केस यही रहेगा सेम जैसे ये था कि 1 करोड़ से जितनी भी ऊपर इनकम होगी उसमें से उसे माइनस करेंगे। तो सेम जैसे वो अभी क्वेश्चन करा है, उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में करके जल्दी से बताओ, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले तो आपने 1 करोड़ पे 1 लाख पे निकाला तो इतना आया, फिर 1 करोड़ पे निकाला, फिर 1 करोड़ पे निकाला, तो 1 करोड़ पे निकालने के बाद एजुकेशन सरचार्ज भी ऐड करा होगा 10%, तो ये वैल्यू आ गई होगी। इन दोनों को इसमें से माइनस करा, माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसमें से 1 करोड़ 1 लाख जो एक्सेस वैल्यू थी कितनी थी, 1 लाख। तो 1,75,125 में 1 लाख माइनस करा तो 75 आ गया। फिर जो आपका टैक्स की लाइबिलिटी आई थी 32,68,875, उसमें से उसे माइनस करा तो ये वैल्यू आई। ये किस किस की आई? सर मेरा 75,125 आ गया सर यहाँ पे। गुड गुड, बहुत बढ़िया, गुड बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कुछ बच्चों की आ गई थी, हाँ बहुत बढ़िया। ये आई है राधिका की, आ गई है। ठीक है, ये कौन है? गुड, अभिषेक की भी आ गई है, बहुत बढ़िया अभिषेक। प्रमोद की आ गई है, बहुत बढ़िया। विशु की आ गई है, कौन है विशु? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ये आ गया ना आपको समझ में। अब एक काम करो, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जरा एक क्वेश्चन ये वाला केस ले लो, ठीक है, इसको कॉपी उसे फोटो खींचना है, फोटो खींच लो जल्दी से, इसको करके रखना, खींच ली, खींच रहा सर, जल्दी करो क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है फिर आपके ना मीटिंग उठकर, ये आप करके रखना। इसकी भी फोटोग्राफ ले लो इसकी जल्दी से, ठीक है। ठीक है ना, इसको इन दोनों क्वेश्चन को करके रखना आप लोग। ठीक है ना, अगर आपको लेना है तो ये एजुकेशन स्टेज की भी ले लो, ये वाली इसकी ले लो, सरचार्ज की जो आपके केस है ना, ये केसेस है, तो आपको सरचार्ज के केस याद हो जाएंगे, इसे याद करके फिर इसके केस करना, चलो कर लेना। ठीक है, ले ली सभी ने? ठीक है, इसकी कॉपी ले लो। हेल्प।